असदुद्दीन अवैसी जो है वो बिहार बीजेपी में बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं ये बातें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं देखिए नीतीश कुमार का जो सरकारी बंगला है सरकारी आवास है एकड़ मार्ग वहां पर करीब करीब 400 नेताओं का जुटान हुआ है और उन 400 नेताओं में सभी के सभी मुस्लिम नेता रहे हैं बिहार में अड़तीस जिले हैं और ये कहा जा रहा है कि सभी जिलों से जो दस बड़े नेता मुसलमानों के हैं उनका आगमन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर हुआ है और ये आगमन जो है वो नीतीश कुमार ने खुद ही उनको बुलाया है और बड़ी बैठक की गई है करीब तीन घंटे तक ये बैठक चली है जिसमें नीतीश कुमार सभी मुसलमान नेताओं को ये बात कहे हैं कि अवैसी जो है एआईएमआईएम जो है वो बिहार बीजेपी की बी टीम है वो वोट काटती है और महागठबंधन को कमजोर करती है जो जातीय सर्वे हुआ है जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया है उसमें साढ़े सत्रह प्रतिशत आबादी मुसलमानों की बताई गई है इसके बाद से मुसलमान वोट पर लगभग सभी पार्टियों का नज़र है बीजेपी को छोड़ दे तो सभी नेता अपने अपनी तरफ से मुसलमान वोट चाह रहे हैं और उसमें नीतीश कुमार कैसे पीछे रहेंगे लेकिन बिहार में जब से अवैसी की एंट्री हुई खासकर 2020 विधानसभा चुनाव इसका प्रत्यक्ष प्रमाण साबित हुआ जब ये बात सामने आई कि मुसलमानों के हिमायती के तौर पर असदुद्दीन अवैसी जो हैं वो ना सिर्फ देश में बल्कि बिहार में भी उनकी अच्छी पकड़ है करीब करीब पाँच सीट ऐसी रही जिस पर ए आई के प्रत्याशी जीत गए हालांकि अब चार विधायक उनके आर में चले गए हैं लेकिन पाँच पर जीत ए आई के सिंबल को मिली थी इसके अलावा दो दर्जन से ऐसे अधिक सीटें रही बिहार में जहां पर अवैसी की पार्टी ने प्रत्यक्ष रूप से तेजस्वी यादव को हराने का काम किया तेजस्वी यादव को बड़ा नुकसान जो है वो जी जी बिहार में अब ऐसी की पार्टी के द्वारा हुआ जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी ने जेडीयू को बड़ा नुकसान दिया तो अब इस बात को लेकर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं खासकर जो जो महागठबंधन है बिहार में जो सत्तारूढ़ दल है जिनके कैडर वोटर मुसलमान माने जाते हैं और खासकर आर जिनके पेटेंट वोटर मुसलमान रहे हैं उसको भी इस बात का डर है कि अगर दो के लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन अवैसी अपने प्रत्याशी उतारते हैं जैसा वो बार बार ऐलान कर रहे हैं कि पूर्णिया हो कटिहार हो भागलपुर हो सुपौल हो सहरसा हो खगड़िया हो अररिया हो ऐसे आठ लोकसभा सीटें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी संख्या में है खासकर अगर पूर्णिया में 40 प्रतिशत के आसपास मुस्लिम है किशनगंज में पचहत्तर परसेंट के आसपास मुस्लिम है खगड़िया में करीब करीब 44 प्रतिशत मुस्लिम है अररिया में भी करीब एक चौथाई आबादी मुसलमानों की है तो ये ऐसे लोकसभा सीट है जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है या वहाँ के जो डिसिव वोटर्स हैं वो मुस्लिम हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए इस रणनीति पर काम करते हुए नीतीश कुमार ने ये बड़ी बैठक आयोजित की अपने सरकारी आवास पर जहाँ पर बिहार के सभी जिलों से करीब करीब दस से बारह नेता मौजूद रहे और सबको सख्त हिदायत दी गई है उन्हें समझाया गया है कि मुसलमान वोट इधर से उधर इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर मुस्लिम वोट टूटता है और मुस्लिम वोट अवैसी से कनेक्ट होता है तो यह बात मानकर चलना होगा कि बिहार के आठ से दस लोकसभा सीट ऐसे हैं जहां पर इसका सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को मिल सकता है तो इसी बात की रणनीति को लेकर नीतीश कुमार काफी चिंतित हैं और मुसलमान तबका एक बड़ा वोटर बैंक वोट बैंक है बिहार में साठ सत्रह प्रतिशत आबादी है हालांकि देखिए माय समीकरण की बात करें एम समीकरण की बात करें तो वो वोट आर का माना जाता है लेकिन कई ऐसे मुस्लिम दिग्गज नेता रहे जैसे मोहम्मद साहबुद्दीन जो दिवंगत हो गए अब मोहम्मद तस्लिमुद्दीन जो सीमांचल के नेता माने जाते थे कई बार सांसद भी रहे इनके निधन के बाद से बिहार में आरजेडी का मुसलमानों पर पकड़ जो है वो बेहद कमजोर हो चुका है और असदुद्दीन अच्छा अवैसी की एंट्री जब से बिहार में हुई है उसके बाद से मुसलमानों को यह आस दिखने लगा है कि उनका भी कोई हिमायती है जो सिर्फ उनसे वोट नहीं लेगा बल्कि उनके लिए काम करेगा उनके लिए सदन में आवाज़ उठाएगा और उसी कड़ी में इसका परिणाम दो के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला तो 2024 में कहीं मुस्लिम मतदाता जो हैं वो बीजेपी का गेम बना ना दें या अवैसी के पक्ष में वोट ना कर दें या इसे यूं यू कहिए कि महागठबंधन का खेल बिगाड़ ना दे क्योंकि सीमांचल और कोसी का करीब आठ लोकसभा सीट ऐसा है जहां पर सीधे तरीके से मुसलमान जो हैं वो डिसिसिव फैक्टर है तो इसे लेकर अब ताबड़तोड़ बैठक की जा रही है और खासकर जब से जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है उसके बाद से फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया